पहले रिक्वायरमेंट बता दें हम क्या चाहिए सर हमें से पीसी बिल्ड के लिए। एक तो कैबिनेट चाहिए। उधर जाके ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, पूरा मार्केट। नेहरू प्लेस उतरते हैं, मेट्रो स्टेशन तो आ ही गए अभी। अब यहाँ लग रहा है मुझे गर्मी हो गई है, चलते हैं एग्जिट करेंगे। ओ माय गॉड, तो उतर गए अभी नेहरू प्लेस पे मेट्रो स्टेशन। अभी उधर जाके ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, आ गए हैं अपना नेहरू प्लेस में। अभी भी बात थोड़ी जा रही है और उसका ये मीरा भाई को ऑफिसर से रूम इन्फिनिटी गैजेट्स, इन्फिनिटी गैजेट का है वहाँ पर ऊपर। देखते हैं यहाँ दो तीन शॉप्स देखी हैं, वहाँ पर जाना है, प्राइसिंग वगैरह लेते हैं उसके बाद। पूरी बिल्डिंग है, सुबह ही जा रहे हैं मार्केट में। हर जगह पीसी की दुकान है, देखते हैं जो अपने लिए बेस्ट होता है, दो तीन जगह ट्राई करते हैं, फ्रिज वगैरह लेते हैं और उसके बाद बताएंगे। देख सकते हैं क्या मिल रही है यार, कंप्यूटर से ज़्यादा पता नहीं और क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो दो तीन शॉप देख लिए हमने, जहाँ से हमें लेना है वहाँ चलेंगे। मॉडेक्स गेमिंग पीछे देख सकते हो, राइट हैंड जो है पूरा अलग से पोर्शन है, पूरे देख सकते हैं। और ये सामने दो तीन बोर्ड लग रहे हैं, कॉस्टू बोर्ड सामने ही दिख रहा है आपको, तो उन पर चलते हैं ज़रा और पता करते हैं क्या रेट वगैरह चल रहे हैं मार्केट में। A few minutes later. कॉस्ट कॉस्ट वालों की तरफ से तो ये आया है हमारा 33,000 समथिंग, जिसके अंदर मॉनिटर एक्सक्लूड है और कीबोर्ड माउस भी नहीं है। ये है कुछ स्क्रीन वगैरह, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है। और इसका प्राइस भी पता करते हैं कितने का है, डीलक्स का प्योर वाइज में और बाकी गैलेक्सी ये भी लगता है। ₹12,000 का और बैन क्यू भी है, 4K मॉनिटर भी इसके अंदर प्लस GST 18% अलग से है। वगैरह देख लिए हैं अभी हमने, तो आपको दिखाते हैं जो एस्टिमेट अभी मिला है। तो
पहले रिक्वायरमेंट बता दें हम क्या चाहिए हमें से पीसी बिल्ड के लिए। एक तो कैबिनेट चाहिए था कोई भी आरजीबी में 4-5 हज़ार का, और पावर सप्लाई 450 वाट ब्राउन्स 80+, और एक प्रोसेसर AMD राइजन 5 5600G चाहिए था हमें, और उसके साथ मदरबोर्ड B450 मिल जाए जो 4 RAM स्लॉट वाला होता है, और रैम चाहिए थी हमें 16 GB XPG की या कोई भी हो, और एक NVMe चाहिए थी 256 GB किंगस्टन वगैरह की या किसी चीज़ की भी मिल जाती है हमें WD वगैरह की, और एक मॉनिटर की रिक्वायरमेंट वो अलग से थी बाद में। तो ये है पूरा मार्केट, तो इसमें दिखाते हैं इस जो हम शॉप देख के आए हैं अभी, तो जो वर्ल्ड फेमस कॉस्ट टू कॉस्ट करके एक शॉप थी वहाँ के प्राइसिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो उन्होंने एस्टिमेट पर निकाल के बताया हमें, वो है विद GST मिला के 33,550 रुपीज़ समथिंग आया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्राइसिंग क्या है। ये देख सकते हैं आप 5600G का है 12,290 रुपये, जो कि ये GS2 एक्सक्लूडेड है, और B450 मदरबोर्ड है, ये है 5400 रुपये समथिंग का, SSD या NVMe मैंने बोली थी उनसे तो ये पड़ेगी 1790 रुपये की, 1790 रुपये की, और 2 RAM XPG की ये आई थिंक 3900 रुपीज़ की पड़ेगी, और ये ATX कैबिनेट था कोई भी लेते हैं वो हमने देखा था वो 37,000 समथिंग का, वो 3700 का पड़ रहा था, एक गैलेक्स का 4 फैंस वाला RGB, और SMPS की बात करें तो एक ये 450 ब्राउन सर्टिफिकेट 2300 रुपये का, तो टोटल मिला के आ रहा था ये 28,440 रुपये, और 18% GST जो समथिंग 5,000 कुछ बनती है, तो 33,550 रुपये ये आया है हमारा जो एस्टिमेट है कॉस्ट टू कॉस्ट का, जिसके अंदर कीबोर्ड माउस नहीं है और आपका मॉनिटर भी नहीं है। तो देख सकते हैं करंटली जो प्राइसिंग चल रही है, और दूसरी शॉप का दिखाते हैं आपको, शॉप थी वहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के आगे जाके जेनेसिस टेक्ट्रॉन करके, तो ये प्राइसिंग थी कुछ इस तरीके से, CPU 5600G और ये मदरबोर्ड ये सब हमने जो बताया था उन्हें, तो ये इन्होंने विद GST हमें ऐड करके बताया है 14,100 रुपये का, ये हमारा 5600G हो गया, मदरबोर्ड हो गया हमारा 450, ये हो गया 6,750 रुपये का, और ये XPG की रैम 2200 रुपये की जो उसमें अलग पड़ रही थी, और ये कैबिनेट वगैरह 2800 रुपये का समथिंग, और WD की ये पड़ी हमारी 3100 रुपये की, NVMe 1750 रुपये की, और ये 500 वॉट का एंड स्पोर्ट का 1900 रुपये का, तो इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट आई थी वो 32,740 रुपये, और उसकी आई थी हमारी समथिंग 33,800 कुछ रुपये, तो मतलब फ़र्क 1,000 रुपये का ही है, इसमें GST पेड ऑलरेडी हो गया है तो उसमें 18% एक्स लगा है। तो देख सकते हैं आप कंपेयर, दो शॉप्स तो देख ली है, दो तीन देख ली थी हमने शॉप्स, वहाँ भी ऑलमोस्ट इतना ही है, और देखते हैं एक आध जगह और अगर सही लगता है तो देखिए कुछ नज़ारे नेहरू प्लेस के ये हैं। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.